मुंबई में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान अपने राजकीय दौरे पर कांदिवली पहुंचे, जिस पर उन्होंने हमारे संवाददाता से मुलाकात की। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा की, जिस पर अनिल सिंह चौहान ने जनता क्रांति पार्टी के बारे में विस्तार से बताया। पेश है हमारी यह खास पेशकश। अनिल जी, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है और आप पार्टी का आधार स्तंभ किसे मानते हैं? देखिए, हमारे पार्टी का विचारधारा है सर्व समाज, जो अपने भागीदारी से वंचित है उसको कैसे अधिकार दिलाएं, उसके हक की लड़ाई के लिए हमने ये मिशन चलाया है और हमने पार्टी बनाया है। क्योंकि 72 साल हमारे देश को आजाद होके हो गए हैं, लेकिन गरीब गरीब होते जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहा है। और दूसरी बात, आज के टाइम में हर पार्टियों में जातिवादी धर्म इस तरह का जो है व्यवस्था लागू हो गया। हर पार्टी है जाति धर्म के नाम से पार्टियों में राजनीति किया जा रहा है। हमारे पार्टी का विचारधारा है सर्व समाज, अपनी व्यवस्था से वंचित है उसका हक दिलाने के लिए। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। हमारा पार्टी का यही विचारधारा है कि गरीब को भी अमीर के लेवल में कैसे खड़ा किया जाए, यही हमारे पार्टी का विचारधारा है। और हमारे पार्टी के स्तंभ पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बाबा भीमराव अम्बेडकर, तमाम महापुरुषों को हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारे स्तंभ हैं। अनिल जी, आपकी पार्टी का विस्तार कितने राज्यों में हुआ है अभी तक? जी, हमारे पार्टी का विस्तार यूपी और बिहार में हुआ है और हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के साथ युवा जनरेशन बहुत तेजी से जुड़ रहा है और बड़े जुनून और जज्बे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2022 तक हमारी पार्टी कम से कम 5 से 6 स्टेट में हमारी पार्टी का विस्तार होगा। अनिल जी, क्या आपकी पार्टी किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी? जी, ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा कि गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। जैसा वक्त रहेगा उस सिचुएशन के हिसाब से वो निर्णय लिया जाएगा। आपकी पार्टी ने पिछले 1.5 साल से किस तरह के कार्यक्रम या किस तरह का आंदोलन किया है उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी, हमारी पार्टी जो गरीब समुदाय के लोग हैं, गरीब हैं, जो सर्व समाज के हारे लोग हैं, सरकारी व्यवस्था से वंचित हैं, उनका हक दिलाने के लिए, किसी गरीब पर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, किसी गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ, इस तरह का तमाम मुद्दों पर पार्टी ने आंदोलन किया, कलेक्ट्रेट घेराव किया, गवर्नमेंट के खिलाफ घेराव किया, पुतला फूका, इस तरह का तमाम जो है। अनिल जी, आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, हमारी पार्टी का यही कोशिश रहेगा कि हम जितने विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, सारे सीटों पर प्रत्याशी उतारने की प्रयास करेंगे। संभवतः जितना भी हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रयास करेंगे उतारने के लिए। अनिल जी, आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवार आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? जी, हमारी पार्टी हमारे पार्टी का यही कोशिश रहेगा कि सारे सीटों पर चुनाव लड़ाने का प्रयास रहेगा। सारे सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे, जितना हो सकेगा उतना हम भरपूर प्रयास करेंगे और सारे सीटों पर चुनाव लड़ाने का कोशिश करेंगे। अनिल जी, आपकी पार्टी की तरफ से युवाओं के लिए क्या संदेश है? जी, हमारे पार्टी की तरफ से मैं सभी युवाओं को अपील करता हूं कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखो, किसी प्रकार का कोई जातिवाद भेदभाव ना हो। और जातिवाद भेदभाव होने से हमारे देश का विकास रुकेगा, हमारे अपने जो काम धंधे का विकास रुकेगा। तो मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखो।